नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल मिस्टर टैक्सोनी और मेरा नाम है योगेश सोनी। मैं आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालू तो आपको उसका सूचना या नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर्ड फोटो कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि उस फोटो को यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है या फोटो है उसको कलर पिक्चर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है algorithm.com। तो मैं आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आगे चल के मैं आपको पीसी स्क्रीन पे बताऊंगा कि उसका यूज कैसे करते हैं और कैसे अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को आप अपनी कलर्ड फोटो बना सकते हैं। दोस्तों तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आपके कंप्यूटर या पीसी में जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिएगा, यानी कि जो क्रोम या फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज है तो उसको ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों तो मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों तो देखा कि दोस्तों ये मेरी साइट ओपन हो चुकी है और इसका नाम है algorithm.com। तो इसकी लिंक में भी नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पिक्चर अपलोड करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यूं एक पिक्चर दिखा देता हूं कि उसको अपलोड कैसे करते हैं और फिर वो कलर्ड पिक्चर में कैसे ट्रांसफर होती है। दोस्तों तो दोस्तों आपने देखा कि ये मेरी जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी वो कलर्ड पिक्चर में ट्रांसफर हो चुकी है। जैसे देख सकते हैं आप इसको स्लाइड करके, आप देख सकते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी तो पहले ऐसी थी और जो कलर्ड में ट्रांसफर होने के बाद वो ऐसे दिख रही है। दोस्तों तो मैं आप अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो मैं आपको वापस से कोई दूसरी पिक्चर चेंज करके बता देता हूं। दोस्तों तो देखा कि दोस्तों आपका रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों इस पिक्चर का भी कलर चेंज हो चुका है। दोस्तों देखा जाए तो इसमें कहीं कहीं पे थोड़ा कलर रह गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए दोस्तों थोड़ा यहीं पे थोड़े इस बीच में इसका कलर रह गया या तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे। तो यानी कि दोस्तों देखा जाए यानी कि पोर्ट्रेट पिक्चर को हम आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम प्रोफेशनली तो नहीं लगभग कुछ हद तक हम कलर चेंज कर सकते हैं इसमें। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल सुझाव या आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और धन्यवाद दोस्तों मेरा बहुत ही कीमती समय देने के लिए।